हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स देवपुत्र। हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक देवपुत्र, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। बाकेलाल जैसे खुरापाती लोग केवल धरती पर ही नहीं होते, इसका जीता जागता उदाहरण देवग्रह था, जहाँ से एक ऐसे ही देवपुत्र शाप देतु को ग्रह निकाला का दंड दिया गया था। उसका कसूर यह था कि उसने साथ सोते हुए देव ऋषि की दाढ़ी काट डाली थी। दुष्ट, तूने जैसा कार्य किया वैसा तो मृत्यु लोक यानी पृथ्वी के वासी करते हैं, अब तो वहीं पर जाकर रहेगा। नहीं, मुझे क्षमा करें देवराज। चित्रांकन बेदी, सहयोग मोनिका गौरव, अमित श्रीकांत, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादन मनीष गुप्ता। क्षमा कदापि नहीं दुष्ट, किंतु अब मैं वापस कैसे लौटूंगा। मृत्यु लोक में मृत्यु के उपरांत ही अब तेरी वापसी संभव है, किंतु बिना किसी के पूछे अगर तूने इस दंड के विषय में किसी को बताया तो तेरी आत्मा भी पृथ्वी पर ही भटकती रहेगी और वापसी के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आह, मुझे तो ये सुनकर चक्कर आने लगे। उसी समय विशालगढ़ के भयानक वन में साय कटक वो मारा, देखा बाकेलाल, न उड़ते कबूतरों के पंख भी बाण मारकर काट सकता हूँ। पंख कटे कबूतर को पकड़ना ही आपके लिए आसान होगा, तीर कमान मुझे देकर कबूतर को पकड़ लीजिए महाराज, मैं अभी ऊपर जाकर उसे पकड़ता हूँ, इसे मैं अपने पक्षी गृह में रखूँगा। चढ़ मोटे चढ़, क्योंकि जो तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये आया पकड़ में कबूतर, कुटरबूम गंजेड़ी मुझे बचाओ। ये आया पकड़ में मेरा शिकार। अरे, ये कबूतर राक्षस की चिकनी खोपड़ी पर बैठा था। ये मेरा पालतू कबूतर चुग्गा है, जो कबूतर बाजों को फांस कर मेरे पास ले आता है और मैं उन्हें पकड़कर मानव के स्वादिष्ट मांस का आनंद लेता हूँ। बाकेलाल, मुझे बचाओ। ही, वो मारा पापड़ वाले को। मुझे कई लोगों ने इस गंजे राक्षस के बारे में बताया था, तभी मैं महाराज को कबूतर के शिकार के लिए यहाँ लाया था, और आखिर मुच्छड़ गंजेड़ी के शिकंजे में फंस ही गया। मैं तीर चला तो रहा हूँ महाराज, और तभी गंजेड़ी के सिर पर जैसे गाज गिर पड़ी। धा, ओह, लगता है पृथ्वी आ गई। गंजेड़ी उस चोट के कारण धम्म से धरती पर गिरा और मेरे प्राण मेरी खोपड़ी में थे, जिस पर चोट पड़ने के बाद ही मेरी मृत्यु संभव थी, अब मैं नहीं बचूंगा। कुटरुगु, मैं अनाथ हो गया। जबकि इधर बाकेलाल, ये कौन है जिसके आसमान से गंजेड़ी के सिर पर गिरने के कारण मेरी जान और राक्षस की चली गई। ये तो कबाब में हड्डी के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, आइए महाराज उसी से पूछते हैं। आगे बढ़ते विक्रम सिंह सहसा चौंक पड़े, अरे बाकेलाल, वो सर्प मेरी जान बचाने वाले देवपुत्र को डसने वाला है। ऐसे आदमी का यही हाल होना चाहिए। बाकेलाल, उसे बचाओ। जाको काटे फनिया बचा सके ना कोई। वाह सांप, पृथ्वी पर आते ही काम बन गया। लेकिन बाकेलाल के वहाँ पहुँचने से पहले ही वाह, डस लिया मुझे सांप ने। अब इसके घातक विष से मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी और मैं पुनः देवग्रह पहुँच जाऊँगा। विष के प्रभाव से मेरे मुँह से झाग भी निकलने लगे। बाकेलाल, हम उसे बचा सकते हैं, जल्दी करो बाकेलाल। लो, चक्कर भी आने लगा। विक्रम सिंह के कहने पर बाकेलाल ने देवपुत्र के दंश वाले स्थान को चूसकर विष निकालना शुरू कर दिया। फिर जल्दी ही, अब ये खतरे से बाहर है महाराज, मैंने सारा विष इसके जिस्म से खींचकर बाहर थूक दिया है। तत्क्षणी विक्रम सिंह देवपुत्र को रथ में लेकर महल की ओर चल पड़े। किंतु बाकेलाल, अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये ऊपर से कहाँ से गिरा। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया महाराज, अगर ये ऊपर से ना टपका होता तो इस वक्त मैं मुच्छड़ की लाश लेकर लौट रहा होता। फिर जल्दी महल के उपचार कक्ष में, मैंने इसे विष निरोधक औषधि दे दिया महाराज, अब ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। तभी देवपुत्र शाप देतु ने कराह कर आँखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? तुम इसी पृथ्वी पर हो युवक, मेरी औषधि ने तुम्हारे प्राण बचा लिए हैं। यह सुनते ही देवपुत्र क्रोधित हो उठा और सत्यानाश था। मैं तो सोच रहा था कि मृत्युपरांत मैं वापस देवग्रह पहुँच गया हूँ। विक्रम सिंह शीघ्रता के साथ कह उठे, ये तुम क्या कह रहे हो युवक, तुम्हें तो बाकेलाल मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर बाकेलाल ने तुम्हारा सारा विष चूस कर निकाल ला दिया होता तो मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर ना आता, और मैं तुम्हें यहाँ लेकर ना आता और तुम्हारा उपचार राजवैद्य से ना कराता तो तुम सर्पदंश से जीवित ना बचते। ओह, तो असली दोषी ये दोनों हैं, और मैं राजवैद्य को शाप देने वाला था। मैं देवपुत्र शाप देतु हूँ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि बाकेलाल तुम गंजे हो जाओगे और विक्रम सिंह तुम्हारी भी नासिका का एक छिद्र बंद हो जाएगा। मर गए शाप, किंतु दूसरे ही पल बाकेलाल हो गया गंजा। उसे देखकर बाकी सब तो हंस पड़े, लेकिन बाकी होटा आग बबूला, मैंने तो इसकी जान बचाई,
किंतु इसने वरदान देने के स्थान पर मुझे दिया सांप, और वो भी गंजा होने का। बाकेलाल की शक्ल मटके से मिल रही है, जबकि इधर उसी समय महाराज आपकी नासिका के द्वार का एक छिद्र बंद हो गया। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है बाकेलाल, देवपुत्र को रोको। इसे तो रोकना ही पड़ेगा, वरना अपने अपमान का बदला मैं किससे लूँगा। ठहरो देवपुत्र, ठहरो, ये बताने की कृपा करें देवपुत्र कि हमें इस अवस्था में कब तक रहना होगा। ये मुझे नहीं पता, मेरा काम तो सांप देना है, उसकी अवधि तय करना नहीं। बाकेलाल, लगता है ये हमारी किसी बात पर क्रोधित हो गया, और इसे यहीं रोक लो ताकि हम इसे प्रसन्न होने का अवसर देकर इस सांप से मुक्ति पा सके। आप कहते हैं तो ठीक है महाराज, मैं उसे रोकने की कोशिश करके देखता हूँ। देवपुत्र, कृपया क्रोध शांत करें और कुछ दिन तक महाराज का आतिथ्य स्वीकार करें, यह महाराज की भी इच्छा है। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती पृथ्वी पर, मुझे कहीं ना कहीं तो रहना ही है, तो फिर राजा का महल ही सही। ठीक है, मुझे राजा का आतिथ्य स्वीकार है, मेरा कमरा कहाँ है? सेवक, और आदेश दिया। राजा ने सेवक को पुकारा और आदेश दिया, सेवक देवपुत्र को आतिथ्य कक्ष में ले जाओ और इनकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखो। जो आज्ञा महाराज। आइए देवपुत्र, चलो। देवपुत्र के चले जाने के पश्चात बाकेलाल, हमें देवपुत्र को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे विचार से तो एक शानदार ग्रह बनवाना चाहिए, यानी लाक्षाग्रह ही, जैसे कभी कौरवों ने पांडवों के लिए बनवाया था। बाकी का खुरापाती मस्तिष्क बुन रहा था कोई जाल, तो फिर कोई उचित स्थान देखकर यह कार्य तुम स्वयं सेनापति की देखरेख में तुरंत आरंभ करवा दो। बाकेलाल के आदेश पर सेनापति की देखरेख में महल के पास ही आरंभ हो गया लाक्षाग्रह का निर्माण। दिन रात कार पर लगे रहो, बाकेलाल के सिर पर बाल उगने से पहले यह राजगृह बनकर तैयार हो जाना चाहिए, वरना महाराज की भी नाक का दूसरा फाटक कभी नहीं खोल पाएगा। बाकी भी लाक्षाग्रह के निर्माण को देखकर मनीमन भयंकर ढंग से प्रसन्न था। किसी को भी नहीं पता चला कि राजगृह लाख द्वारा बन रहा है। लाक्षाग्रह लाख द्वारा तैयार होता है, जो मोम की तरह ज्वलनशील पदार्थ होता है। लाक्षाग्रह तैयार होते ही मैं उस लाक्षाग्रह में आग लगा दूंगा। शीघ्र ही लाक्षाग्रह बनकर तैयार हो गया, और वाह, ये तो बहुत सुंदर निवास है। आइए देवपुत्र, राजगृह में प्रवेश करें, आराम से जलकर मरेगा। अंदर पहुँचते ही बाकेलाल के मस्तिष्क में एक और भयानक खुराफात जन्म लेने लगी। इस वक्त महाराज भी लाक्षाग्रह में है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाऊं, लाक्षाग्रह में तुरंत आग लगा दूं। धत तेरे की, ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया, कबक दोनों ही जल मरेंगे। यह विचार मन में आते ही, महाराज मैं सारी व्यवस्था देखकर अभी आता हूं, तब तक आप यहीं पर रहें और देवपुत्र को फलाहार कराएं। ठीक है बाकेलाल, वाह झूला भी है। बाहर एक सुनसान स्थान पर आकर बाकेलाल ने मशाल जलाई। अच्छा मोटे मुच्छड़ मनुष्य, कहा सुना माफ़ करना, देवपुत्र कभी बाकेलाल से पंगा ना लेना। थोड़ी देर में लाक्षाग्रह धू धू करके जलने लगा। आग आग, दूसरे ही पल देवपुत्र की बाचे प्रसन्नता से खिल उठी। आग, अरे वाह आग, हे ये तो चारों ओर लगी है, आनंद आनंद, अब मुझे इस अग्नि में जलकर मरने से कोई नहीं बचा सकता। आग देखकर सेनापति के भी होश उड़ गए। अरे आग, महल के अंदर आग, महल के अंदर महाराज भी हैं, पानी लाओ। जबकि चारों ओर प्रचंड रूप से फैल चुकी आग को देखकर विक्रम सिंह के भी होश उड़े हुए थे। देवपुत्र तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वाह आग और भड़क उठी। चलो देवपुत्र जल्दी से मेरे साथ चलो, बचने का एक रास्ता अभी बाकी है। रास्ता बाकी है, किंतु मुझे यहीं, मुझे नहीं बचना। अबे तू जा यहाँ से, मुझे ये भयानक आग छोड़कर नहीं जाना। किंतु विक्रम सिंह की शक्ति के आगे देवपुत्र की एक ना चली। जल्दी चलो, आग बढ़ती जा रही है, ये तो मुझे बोरी की तरह पता नहीं कहाँ घसीटे लिए जा रहा। अबे रुक जा मोटे, मुझे आग में मरने दे, कमबख्त। पर यह जाएगा कहाँ से, आग तो प्रत्येक द्वार पर लगी हुई है। अब तो ये भी नहीं बचेगा, बेचारा राजा। इधर सेनापति के आदेश पर जब सैनिक पानी लेकर पहुँचे तो जल्दी करो, पानी राजगृह पर डालकर आग बुझाओ। किंतु सेनापति जी, राजगृह कहाँ गया? राजगृह जलकर भस्म हो गया। देवपुत्र और बाकेलाल के साथ महाराज भी जल गए, क्योंकि वो तीनों भी अंदर थे, मैं तो बाहर चला आया था। हाय, तुमने महाराज को बचाया क्यों नहीं सेनापति? मैंने पानी मंगवाया तो था, पर पानी आने तक राजगृह जलकर भस्म हो गया। हाय, मैंने नदी किनारे राजगृह क्यों ना बनवाया। हाय, अब तुम नरक में महाराज को कैसे मुंह दिखाओगे सेनापति? मोटे मुच्छड़, आज मैंने अपने दो दो दुश्मनों का एक साथ काम तमाम कर दिया, मैं महाराज को ना बचा पाया, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हट जाओ, मुझे भी इस भुजी आग में जलकर मर जाने दो। सेनापति रुक जाओ, राख अभी घर में। आखिर मेरी योजना कामयाब हो ही गई, तुम्हें क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो? महाराज हमें छोड़कर चले गए। मरे मेरे दुश्मन, आँख खोलकर देखो सेनापति, मैं अभी जिंदा हूँ। आए, ये तो मुच्छड़ है, ये बच कैसे गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे महाराज आप जीवित हैं?
मुझे जीवित देखकर सब हैरान हो गए ना। सेनापति, मेरे कहने पर तुमने ही तो राजगृह में सुरंग बनवाई थी, जैसा कि हर राजा अपने महल में बनवाता है आपात स्थिति में निकलने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश मोटे। किंतु शायद देवपुत्र आग के सदमे से मूर्छित हो गया है। राजवैद को फौरन बुलाओ, अभी लीजिए महाराज। फूटी किस्मत, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी औषधि से तुम्हारी मूर्छा भंग हो गई। और था ये क्या कर रहे हो देवपुत्र, तुम आग के सदमे से बेहोश हो गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाकर यहाँ लाया था और राजवैद की औषधि खाकर तुम्हें होश आया था। राजा विक्रम सिंह कंभकत में आग लगने के सदमे से नहीं बल्कि आग से बचने के सदमे से मूर्छित हो गया, और इसी क्रोध में आकर मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तेरा एक कान गायब हो जाए। अरे मेरा एक कान गायब हो गया, मैं आधा बहरा हो गया। अरे ये तो फिर शाप देकर चला गया। चलो देवपुत्र, तो को मारने की मेरी योजना भले ही नाकाम हो गई, मगर मोटे को शाप तो मिला, मुच्छड़ पर कनकौआ बन गया। लेकिन छोड़ूंगा तुम्हें देवपुत्र को भी नहीं, उसे बताकर रहूंगा अपना नाम। बाकीलाल, मैंने तो उसके प्राण बचाए, फिर वो प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित क्यों हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज, किंतु उसे प्रसन्न करना तो अब और भी आवश्यक हो गया है, वरना आप आधे बहरे ही रह जाएंगे। हाँ बाकीलाल, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जबकि अगले दिन बाकीलाल ने बनाई नई योजना, जिसके तहत वो रथ में महाराज और देवपुत्र को लेकर पहुँचा उस झील पर। देवपुत्र, तुमने ऐसी सुंदर झील कहीं नहीं देखी होगी। बहुत देखी है, हमारा ग्रह झीलों का ग्रह है। तभी देवपुत्र ने देखा वो सुंदर दृश्य। ओह, ये झील तो भयंकर मगरमच्छों से भरी है, तभी तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ दुष्ट, तुझे झील के पास ले जाकर धक्का दूंगा। जबकि मेरा काम तो बन गया। अरे ये मगरमच्छों वाली झील की तरफ क्यों भाग रहा है? शायद मगरमच्छ पकड़ने जा रहा है। विक्रम सिंह के देखते ही देखते ये मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। अरे ये तो मगरमच्छों से भरी झील में कूद गया। विक्रम सिंह की कमान से एक के बाद एक तीर छूट निकले। साए 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 साए। नहीं, मैं देवपुत्र को इन दुष्ट मगरमच्छों का भोजन नहीं बनने दूंगा। और आगे बढ़ते मगरमच्छों का हर्ष देखकर देवपुत्र को काटो तो खून नहीं आए। ये क्या, तीर चलाकर मगरमच्छों को कौन मार रहा है? ओ मोटे, तीर चलाना बंद कर, मगरमच्छों को मेरी तरफ आने दे। अरे मोटे का तीर कमान तोड़ना तो मैं भूल ही गया। जल्दी ही पूरी झील में एक भी मगरमच्छ ऐसा ना बचा जिसका जबड़ा तीर से जकड़ा ना गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ठहरो, मैं तुम्हारे जबड़ों से तीर निकाल देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ी भूख लगी है। लेकिन इससे पहले कि देवपुत्र उन मगरमच्छों के जबड़ों से तीर खींच पाता, उसके गले में आकर पड़ा वह फंदा और ओ नहीं, फंदा मोटे ने डाला है। मोटे सुधर जा, मान जा, छोड़ दे रस्सी। बाके, रथ को घुमा कर घोड़ों को चाबुक लगाओ। मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया महाराज। बाकेलाल ने रथ को दौड़ाना आरंभ किया तो काफ़ी दूर तक दौड़ाते ही चला गया। अब रथ के दौड़ने के साथ ही देवपुत्र भी झील से बाहर आ जाएगा। मोटे, तेरा सत्यानाश जाए। रथ रोको, रथ रोको, मगर बच्चों को मुझे खाकर अपनी भूख मिटाने दो। आप फिक्र ना करें महाराज, इस औषधि का सेवन करते ही ये होश में आ जाएगा। जल्द ही देवपुत्र होश में आ गया और था ये क्या कर रहे हो देवपुत्र, अगर मैं तुम्हें झील से बाहर ना निकाल लाता तो मगर मैं तुम्हें खा जाते। राजा विक्रम सिंह, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू काना हो जाए। नहीं। वाह, राजा काना, चलो मुझे मेरी योजना का कुछ तो लाभ मिला। दूसरे ही पल राजा काना हो गया। अरे महाराज, आप काने हो गए, पर मैं कीड़ा कसूर कितना। अगर मेरी नई नई योजनाओं पर देवपुत्र मोटे के शरीर के अंग ऐसे ही खराब, गायब या नष्ट करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि देवपुत्र तो मरेगा ही, किंतु मुच्छड़ भी आदमी कहलाने के लायक नहीं रहेगा। अगले दिन, महाराज आज मैं देवपुत्र को राज्य का चिड़ियाघर दिखाने लाया हूँ। चिड़ियाघर देखकर देवपुत्र आप पर अवश्य प्रसन्न होगा और आपको पहले जैसा कर देगा। कब आएगी मुझे मौत? देवपुत्र ने शैतान को याद किया और शैतान हाजिर था। है कोई माइकालाल जो पंजा लड़ाए? शेर, वाह, देवपुत्र कुछ और ही सोच रहा था। अगर मैं शेर के पिंजरे में घुस जाऊं तो शेर एक ही बार में मेरी गर्दन चबा जाएगा, तब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो देवपुत्र, वो मेमने का नहीं शेर का पिंजरा है, अब पिंजरे में कूदना बाकी है। आज आया है कोई मर्द मुझसे पंजा लड़ाने, अब मैं नहीं बचने का। अरे ये तो खुद ही पिंजरे में घुस गया। लेकिन विक्रम सिंह भला अपनी आंखों के सामने देवपुत्र पर सिंह को कैसे झपटने देता। देवपुत्र, पिंजरे से बाहर निकलाओ, ये सिंह खतरनाक और भूखा है। अबे पूछ छोड़, मर्द की औलाद है तो सामने आकर पंजा लड़ा। मोटे ने शेर की पूछ पकड़ ली, मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं अपना सिर शेर के मुंह में खुद घुसेड़ दूंगा। अबे पूछ उखड़ जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह जाऊंगा।
बाके तुम किसी भी तरह पिंजरे से देवपुत्र को बाहर निकालो। बाके जानबूझकर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। खाता है तो खा जाए। देवपुत्र की व्याकरता बढ़ती चली जा रही थी। अबे खाता क्यों नहीं जल्दी मुझे? अबे मेरे मुंह में क्यों घुसा जा रहा है? दूरन लगता है लात खाकर जाएगा। ओह पूछ टूट गई। तलाक मार डाला, उखाड़ डाली शेर की पूछ। तब विक्रम सिंह ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर शेर का मुंह उसी की पूछ से जकड़ दिया। लानत है मेरी शेरियत पर, इस इंसान ने मेरी पूछ से मेरा मुंह बांध दिया। अबे चुप, आज से तू गुर्राने के लायक ही नहीं था। फिर महल पहुंचने पर राजवैद्य की औषधि खाकर जैसे ही देवपुत्र को होश आया, इस बार मैं तकिए पहनकर आया हूँ। देवपुत्र ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरे ही कहने पर तुम्हारा उपचार कर रहा था। और ये मिला मोटे मुच्छड़ को एक और शाह। राजा विक्रम सिंह ले एक और शाह, तेरा एक हाथ जाता रहेगा। नहीं मैं टुंडा हो जाऊँगा। राजा विक्रम सिंह को टुंडा होने से कोई ना रोक सका। मुच्छड़ कितना अच्छा लग रहा है। मेरा एक हाथ भी गया बाकीलाल, ये कब प्रसन्न होगा? होगा महाराज, होगा, जल्दी ही होगा। अगर देवपुत्र प्रसन्न ना हुआ तो मेरा क्यों होगा बाकीलाल? उसी रात ही देवपुत्र के कक्ष के सामने से निकलते हुए बाकीलाल चौंक पड़ा। देव हे देवराज, मुझे मौत क्यों नहीं आ रही? अगर मुझे मौत ना आई तो मैं देवग्रह पर वापस नहीं पहुंच पाऊंगा। ओ तो ये रहस्य है। तभी ये निर्भय होकर बार बार मौत के मुंह में कूद जाता है, और चूंकि हर बार महाराज इसे बचाने में सफल हो जाते हैं इसलिए क्रोधित होकर उन्हें शाप दे देता है। मन ही मन को सोचकर बाकीलाल देवपुत्र के सामने जा पहुंचा। देवपुत्र मैंने सब कुछ सुन लिया है, अगर तुम पहले ही ये रहस्य मुझे बता देते तो मैं तुम्हें मरने का एक बहुत बढ़िया तरीका बता भी चुका होता। क्या सच? किंतु मैं खुद ये रहस्य नहीं बता सकता था। पर चलो अब तो तुम मेरा रहस्य जान ही गए हो, कृपया कर मुझे मृत्यु प्राप्त करने का उपाय बताओ कि इस बार मोटा मुझे बचा ना पाए। हर बार वही मुझे मौत के मुंह से घसीट लाता है, इस बार वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और वो उपाय है ये तलवार। ये तलवार लो और इससे मोटे की गर्दन काट डालो। राजा के हत्यारे को फांसी से कम दंड नहीं मिलता, और जब राजा ही नहीं बचेगा तो वो तुम्हें भी नहीं बचा पाएगा। वाह उपाय तो कारगर है, मैं अभी जाकर तुम्हारे राजा का सिर धड़ से जुदा कर देता हूँ। अब तो मनहूस मरे ही मरे, और मोटे राजा अब तू नहीं बचेगा। मोटा अब कभी नहीं जागेगा। आए गर्दन तो कटी नहीं, कौन है कौन है? गर्दन कटी क्यों नहीं? देवपुत्र पर निगाह पड़ते ही, तुम देवपुत्र, तुम मुझे क्यों मारने आए हो? पहले ये बताओ कि मेरे जोरदार प्रहार करने के बाद भी तुम्हारी गर्दन कटी क्यों नहीं? लोहे के इस पट्टे के कारण आज कुकुर रात्रि है। मायके जाने से पहले मेरी रानी ने यह मुझे आज की रात पहनने को दिया था और मैंने पहन लिया। अरे ये तो वही पट्टा है जिसे आज की रात्रि पहनने से पति हमेशा पालतू बना रहता है। ओ एक बार तो तू बच गया, पर अब नहीं बचेगा मोटे। नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी कई बार जान बचाई है। किंतु इससे पहले कि देवपुत्र की तलवार राजा विक्रम सिंह को काट पाती, शाबाश सेनापति। आप फिक्र ना करें महाराज, अभी सेनापति जीवित है, अब मैं एक ही बार में इस दुष्ट का काम तमाम कर दूंगा। हाँ हाँ जल्दी कर ले, मैंने गर्दन झुका ली। अरे मैं खामखा मोटे को मारने आ गया, तलवार से मैंने खुद ही अपनी गर्दन क्यों नहीं काट ली? लेकिन नहीं रुक जाओ सेनापति, देवपुत्र की हत्या का पाप मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मोटे हट जा रास्ते से। नहीं उसे ये पाप कर लेने दे मोटे। ओ ये क्या, ओ ये क्या, ओ ये क्या, ओ ये क्या? अरे देवराज आप? हाँ बस हमें आना ही पड़ा, क्योंकि किसी मानव के हाथों किसी भी देवग्रह के निवासी की 5 बार प्राण रक्षा करने पर हम उसे वर देना है आना ही पड़ता है। और जब तुम वापस देवग्रह पर आने के लिए बार बार मरने के प्रयत्न कर रहे थे तो राजा विक्रम सिंह ने 5 बार तुम्हारी प्राण रक्षा की। तब देवराज ने विक्रम सिंह को सारी बात बताई। वर मांगो राजा विक्रम सिंह, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है महाराज, फिर भी आपको कुछ देना ही है तो देवपुत्र का कसूर माफ़ कर दें और उसे बिना मृत्यु के ही वापस देवग्रह में प्रवेश दें। तथास्तु, आ अब लौट चले। बस कुछ देर और देवराज, आप महान हैं राजा विक्रम सिंह, आपको मैंने जितने भी शाप दिए हैं वो सब मिथ्या चले जाएंगे और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बाकीलाल भी ठीक हो जाएगा दूसरे ही पल। वाह मैं ठीक हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देवपुत्र। धन्यवाद मेरा नहीं बाकीलाल का करो, क्योंकि 5वीं बार उसी ने मुझे आपकी गर्दन उड़ाने के लिए सलाह दी थी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी भी चोटी आ गई। तभी बाकीलाल तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया कि तुमने राजगृह के स्थान पर लाक्षागृह क्यों बनवाया और क्यों तुम देवपुत्र को कभी मगरमच्छों वाली झील में कभी शेर के पिंजरे के पास ले गए और क्यों तुमने उसे मेरी गर्दन उड़ाने के लिए यहाँ भेजा। इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब है, वो ये है, और वो है ये पुच्ची।
मोटे मच्छर मनहूस, अगर मुझे 5 बार प्राण रक्षा वाली बात पता होती तो मैं ऐसा क्यों करता। फूटी किस्मत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ऋषि बाकेलाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।